हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। देखो ब्रदर, लुंक का जो केस है, लुंक में काफी टाइम लग रहा है। अप ट्रेंड जाता है और जैसे ही बर्निंग हो जाती है उसके बाद डाउन ट्रेंड आ जाता है। काफी टाइम से ये 29 के और 30 के बीच में अटका हुआ है। 31 भी बीच में गया था, लेकिन ये फिर दोबारा से 29 पे आ जाता है। देखो, इसके ऊपर जो बर्निंग इकोसिस्टम काम कर रहा है ऑफकोर्स अच्छा है। आज हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है, ये लुंक टोकन का जो साथ दे रहे जो टोकन है उनके बारे में बातचीत करना है। तो जो लुंक टोकन का साथ दे रहे हैं, कुछ जो है मीम टोकन है, कुछ जो टोकन है ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, और वो जो टोकन का क्या कहना है उसके बारे में हम बताएंगे आपको, और उन टोकन की वेबसाइट पे लेके जाएंगे और वेबसाइट्स के हिसाब से वो टोकन कितने जा सकते हैं और क्या रेट चल रहा है, सब कुछ इसका डिस्कशन करेंगे। जस्ट ये डिस्कशन होगा और आने वाले टाइम में इसका प्राइस कब कितना जा सकता है, कितना तो नहीं पता बट कब अप जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि यहां पे जार डार्क करके एक लूना जो क्लासिक है उसकी टीम में जो एक बंदा है जो बेसिकली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जारा डार करके TR @JaraDarTR करोगे तो उसको आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पे, और फॉलो करने के बाद इसके ऊपर वॉच कर सकते हो। कोई भी नई अपडेट होगी तो ये जरूर देगा, ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। और अगर इसकी टीम में कोई भी अपडेट होगी, और ये काफी मेहनत कर रहा है इस बंदा इस टीम में अपडेट करने के लिए। फिलहाल इसने एक प्रपोजल डाला है और जैसे भी प्रपोजल अप जाता है, ये मतलब पास हो जाता है, तो ये प्रपोजल के हिसाब से काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एनीवे तो हम सबसे पहले जाते हैं एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है मिमी टावर। तो बेसिकली ये मिमी टावर भी हेल्प कर रहा है, मतलब हेल्प नहीं कर रहा, मतलब ये कह रहे हैं इस टाइप के जो टोकन है कि ये हेल्प करेंगे। अब ये कितना हेल्प करते हैं कितना नहीं करते ये टाइम बताएगा। तो हम इसका फिलहाल अगर हम देखें कि इसका जो प्राइस है वो कितना है, तो क्या ये स्कैम है और क्या ये नहीं है स्कैम, तो ये हम देखते हैं। मीमीवर्स, तो ये जो इसका जो प्राइस चल रहा है फ्रेंड, काफी कम है इस वक्त, 0.005। ये दावा करता है कि ये मीमीवर्स ये बर्न करेंगे इसकी क्रिप्टो को। ऐसा कोई पर्टिकुलर इनका कोई अभी कोई चीज निकल के नहीं आई कि इन्होंने कोई बर्न भी किया है। ठीक है, इसके अगेंस्ट एक और वेबसाइट है जो बर्न कर भी रही है और ऑलरेडी सेकंड नंबर पे वो आता है, मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। ये है लुनाटिक्स टोकन। ठीक है, अगर हम इसके बारे में देखना चाहते हैं तो हम पेंगुइन करके एक वेबसाइट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बाइनांस के बाद ये वाले जो है ऑलरेडी ये सेकंड नंबर पे आते हैं और इनकी फर्स्ट पेज के ऊपर वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इन्होंने इतने टोकन बर्न कर दिए हैं। ठीक है, 2 बिलियन के आसपास इन्होंने टोकन बर्न कर दिया है। मतलब ये जो है वेबसाइट पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, लुनेटिक टोकन के नाम से है। अगर आप इसकी वेबसाइट के ऊपर भी जाओगे तो हम देखते हैं लुनेटिक टोकन का जो प्राइस वगैरह क्या चल रहा है। इसका जो शॉर्ट नेम है लुनेट करके है और आई थिंक ये BSC स्कैन के ऊपर वर्क कर रहा है। अभी इसका जो प्राइस है, मतलब ये जो है लुनेटिक करके जो टोकन है, ये जो कंपनी है बहुत अच्छा, मतलब आफ्टर बाइनांस ये बहुत अच्छे तरीके से टोकन को बर्न कर रहे हैं। और अगर मैं इसका जो ऑल टाइम हाई बताऊं, ऑल टाइम हाई इसका 0.000 और 1-2 करके है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से ये 58% डाउन है। ठीक है, और अपने ऑल टाइम लो से ये 4102% सॉरी 4102 इसका जो ऑल टाइम लो था उसके 22% अप है केवल। लेकिन ये जो है अच्छे तरीके से इसके लुंक को बर्न करने में हेल्प कर रहा है कम्युनिटी की जाएगा। बट फिलहाल अगर नंबर्स देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है ये अच्छे तरीके से बर्न कर रहा है। अब इसके बारे में और जानने के लिए हम इसकी वेबसाइट पर फिर दोबारा से जाएंगे। लुनेटिक टोकन करके है इसका नाम,
और ऑडिटेड है और व्हाइट पेपर यहां पे देख सकते हो चार्ट और बीएसएस के बाय लुनेटिक स्टेकिंग, केवल इसका स्टेकिंग इकोसिस्टम है, एनएफटी मार्केट है इनका। तो इसके अंदर आई थिंक लॉगिन करना पड़ेगा, आफ्टर दैट हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, लॉगिन हम करेंगे नहीं, बट लुनेटिक्स एनएफटीज इस पे करके है। तो मेरे ख्याल में ये जो इनकी जो भी फीस होती है बाय सेल की, ये उसके हिसाब से इसको बर्न कर देते हैं। और आई थिंक और कोई और स्ट्रेटेजी भी हो तो वो हम देखेंगे, जैसे भी पता चलेगा हम बताएंगे आपको। ठीक है, अब ये टोकन दो हो गए, एक तो मिमीवर्स करके है, दूसरा लुनेटिक टोकन है। लुनेटिक टोकन का याद रहे सेकंड नंबर पे आता है लुनेटिक टोकन, जो इसको जो लूना क्लासिक को बर्न करने में इसका सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर बाइनांस। ठीक है, अब इसके अलावा हम एक और वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट का नाम है लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर यू नो इसने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की है दोस्तों कि यू नो कि अगर इसकी अनाउंसमेंट के हिसाब से इन्होंने बर्निंग करनी स्टार्ट कर दी तो सेकंड नंबर पे आई थिंक इनका नाम आ सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली ऐसी क्या अनाउंसमेंट करी है दोस्तों, इन्होंने अनाउंसमेंट किया 2.5 ट्रिलियन बर्निंग करेंगे 18 दिसंबर के बाद से। ये स्टार्ट हो जाएगी बर्निंग 18 दिसंबर के बाद, और कसम से ये टोकन की जो ग्रोथ हुई है ना पिछले कुछ महीनों के अंदर वो देखने वाली है। अगर मैं इसकी ग्रोथ दिखाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि वाह क्या बात है, और जबरदस्त तरीके से इसकी ग्रोथ हुई है। इसका नाम है लीथो करके है इनके टोकन का नाम है, तो यहाँ पे लीथो टाइप करते हैं तो इनके टोकन को देखो और इसकी आप ग्रोथ देखना कितनी जबरदस्त ग्रोथ हुई है। अभी भी ये यू नो अपनी अनाउंसमेंट की वजह से अच्छा खासा बढ़ रहा है। 2.5 ट्रिलियन बहुत बड़े नंबर होते हैं फ्रेंड, इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, और ब्लूमबर्ग जैसी एक बड़ी न्यूज एजेंसी के ऊपर ऑलरेडी इन्होंने न्यूज भी डिक्लेयर कर दिया है कि 2.5 ट्रिलियन बर्न करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अभी कितनी हाइप बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि 18 दिसंबर तक लुंक टोकन काफी तरीके से अच्छे तरीके से अप हो जाएगा, बिकॉज यहां वहां से लुनेटिक और अगर मिमीवर्स की तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट आती है तो वो भी अच्छी बात है, और इनका कोई इंप्लीमेंट होता है या इनका जो लुंक टोकन का कोई कहीं पे लिस्टिंग हो जाती है और दो चार एक्सचेंज और हो जाती है तो भी इसकी हाइट बढ़ेगी। और अगर लिथो स्फेयर ने अगर ब्लॉकचेन बेस्ड इकोसिस्टम है तो इन्होंने अगर 2.5 ट्रिलियन की अच्छे तरीके से तैयारी कर ली तो फ्रेंड्स हो सकता है कि लिथो टोकन भी बहुत ज्यादा अप जाए, और ये भी हो सकता है, ये तो होगा ही होगा बिकॉज अगर लूना लुंक बर्न होंगे तो लुंक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर लिथो के ऊपर हाइप क्रिएट हो गई तो इसका भी एक अच्छा नाम हो जाएगा मार्केट में, ऑलरेडी है मतलब ऑफ कोर्स इन्होंने इसने लोगों को काफी रिच बनाया है बिकॉज 140,000% के ऊपर है आज की डेट में। ठीक है, लेकिन ये पिछले अगर इसका देखा जाए तो ये डाउन भी बहुत ज्यादा गया है पिछले टाइम में। एनीवे कि अगर इसने 2.5 ट्रिलियन को बर्न कर दिया, चलो धीरे धीरे किया या कैसे भी किया, अगर ये इतना कर देता है तो इसकी मार्केट में एक इमेज बन जाएगी, इसका नाम हो जाएगा अच्छा खासा, और लुंग कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्टेड होगी। तो हो सकता है यहां से भी इसका अच्छा खासा यू नो परसेंटेज बढ़ जाए, बिकॉज अभी भी ये यू नो एक अच्छे नंबर के ऊपर स्टैंड किया हुआ है। 1 बिलियन सप्लाई है और 1 सेंट भी इसका प्राइस नहीं है, तो 1 सेंट प्राइस होने के चांसेस है इसका दिसंबर में अगर इसने लुंक को बर्न करने में हेल्प की। ठीक है, तो बहुत कुछ हो सकता है इस टोकन में भी और लुंक में तो होगा ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा फ्रेंड्स इसको बाय करके रखना है, इफ यू वांट टू बाय जस्ट $10 इज एनफ, $10 यू नो एक बहुत बड़ी चीज नहीं होती, तो $10 आप इसमें लगा के सोच सकते हो कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो यू नो $200 बन जाएंगे, 300 बन जाएंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं $10 जाएंगे, बाकी आप अपनी रिसर्च जरूर कर लेना बिकॉज $10 भी बड़ी मुश्किल से कमाता है इंसान, एक ट्रेडर बड़ी मेहनत करता है उसके ऊपर। ठीक है,
तो ये तीन प्रोजेक्ट है, मीमी टावर करके है, ये हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं, बट यू नो आई डोंट थिंक सो ये कुछ कर पाएंगे, अभी कोई अनाउंसमेंट ऐसी नहीं है। लेकिन लुनेटिक जो है ये ऑलरेडी यू नो हेल्पफुल है और कर रहा है, हेल्प कर रहा है इस प्रोजेक्ट को। और तीसरा जो है लिथोस्फेयर, इनका जो लिथो टोकन है वो अभी भी इसकी जो मार्केट कैप है कम है, इसमें तो लिखी नहीं हुई, हो सकता है कौन मार्केट कैप के ऊपर लिखी हो, तो यू नो हम देख लेते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। तो दोस्तों कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हम आ गए हैं, और लिथोस्फेयर जो लिथो टोकन है उसका जो प्राइस भी देख रहे हैं 24% बढ़ा है 24 आवर्स में। और अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो कुछ भी नहीं है, 91,000 है अभी के हिसाब से। अब हो सकता है ये अपडेटेड ना हो, बट यू नो अभी भी ये लो कैप कॉइन है, और हो सकता है दिसंबर में इसने कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दी, या इसने कुछ ऐसा कर दिया जो लूना कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो लूना कंपनी ऑफकोर्स इस टोकन को बाय करने के लिए पूरा जोर लगा देगी फ्रेंड, और कहीं ना कहीं ये टोकन यू नो आसमान में उड़ता हुआ दिसंबर में दिखाई दे सकता है। तो ठीक है, तो लिथोस्फेयर पे यू नो इसके ऊपर आप थोड़ी सी बेट लगा सकते हैं, यू नो अपनी रिसर्च जरूर कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर एट ऑल। तो अगर आप लिथोस्फेयर पे अगर अपना कुछ परसेंटेज लगा देंगे, मतलब 0.001 $10 के आसपास ही बोलूंगा, तो हो सकता है आपको जाकर फायदा हो, फिर भी आप एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। ठीक है, तो जो मार्केट कैप 90,000 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं लो कैप शो करती है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी काफी 62 मिलियन के आसपास है, तो इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है ग्रो करने के लिए। अगर इसने ट्रूली हेल्प की तो ये बहुत ज्यादा आगे जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो, तो फ्रेंड्स मेरा लिथोस्फेयर और लुनेटिक टोकन और तीसरा जो है मीमी टावर, इसके बारे में मैंने कुछ ज्यादा नहीं कहा, मुझे ये स्कैम थोड़ा सा लगता है, बट इट्स ओके, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है ये भी हेल्प करेंगे। तो एनीवे ये जो सारे हैं जो लूना टोकन, लूना क्लासिक जो लुंक टोकन है हमारा, उसको इसको जो मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करने में लगे हुए हैं। इवन मैं ये कहता हूं कि लुनेटिक टोकन है, इसने बहुत कुछ अच्छा किया है ऑलरेडी, 2 बिलियन एक बहुत बड़ी यू नो चीज है, और इसको 2 बिलियन को इसने जो किया है बर्न किया है, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों देखते हैं कि बाइनांस ने कितना किया है, बाइनांस ने ऑलरेडी आज जो किया है 916,502 USDT के बर्न किए हैं, यू नो नंबर काफी कम है, बट इट्स फाइन बिकॉज यू नो टैक्स की वजह से काफी कुछ वॉल्यूम डाउन हुआ है पिछले दिनों से, बहुत ज्यादा टैक्स कटने लगा था, हो सकता है लोगों ने होल्ड करके रख लिया हो और लोग ज्यादा बाय नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ टैक्स, टैक्स बहुत ज्यादा है। और anyway, टैक्स की बात करेंगे ज्यादा नहीं हम, बिकॉज यू नो टैक्स के बिना भी तो ये टोकन आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड लुंक मिनीवर्स और लुंक यूटिलिटी अगर आ जाए इसके ऊपर, ये लोग काफी कोशिश कर रहे हैं कुछ चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके लिए प्रपोजल भी लेके आए हैं, और जैसे ही वो प्रपोजल ओके हो जाएगा तो कुछ ना कुछ यूटिलिटी, एक बड़ी यूटिलिटी अगर आती है इसकी यू नो तो ये प्रोजेक्ट बहुत ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर यूटिलिटी नहीं आई तो ये पंप एंड डंप लगा ही रहेगा फ्रेंड, तो आप कम से कम इन्वेस्टमेंट लगा के रखना। यू नो अभी भी अगर इसके ऊपर यू नो रिवार्ड है तो कहीं ना कहीं उतना ही इसके ऊपर रिस्क भी बना हुआ है। ठीक है, तो अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। ये छोटा सा वीडियो तो फ्रेंड्स आपकी हेल्प के लिए और आपका जो है ग्रोथ और पोर्टफोलियो अप करने के लिए जितनी भी हेल्प हो सके आप मेरे वीडियो से देख सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।